सही तो आज हम बात करेंगे पीएचडी की सेकंड ईयर सब्जेक्ट है इंट्रोडक्टरी वेटरनरी मेडिसिन और टॉपिक चल रहा है अपना ब्रुसेलोसिस। कौन सा है? ब्रुसेलोसिस। तो ब्रुसेलोसिस होता क्या है उसको पहले देखते हैं। तो यह है एक जूनेटिक रोग होता है। कैसा होता है? जूनेटिक रोग होता है जो पशु से मनुष्य तथा मनुष्य से पशुओं में आपस में संपर्क में आने से ट्रांसफर हो जाता है, फैलता है। है जूनेटिक रोग होता है। जूनेटिक का मतलब बताते हैं, जूनेटिक मतलब पशु से मनुष्य तथा मनुष्य से पशुओं में आपस में स्थानांतरित हो जाता है। जूनेटिक रोग होता है जो पशु से मनुष्य तथा मनुष्य से पशुओं में आपस में संपर्क में आने से अधिक फैलता है। मतलब मनुष्य से पशु तथा पशु से मनुष्य के आपस में संपर्क में आने से फैलता है। इस रोग को बैंक्स रोग गर्भपात ऑन्डुलेंट फीवर इस रोग को बैंक्स डिजीज संक्रामक गर्भपात ऑन्डुलेंट फीवर माल्टा फीवर आदि नामों से जाना जाता है। माल्टा फीवर आदि नामों से जाना जाता है। मतलब कौन कौन जाता है? बैंक्स रोग, संक्रामक रोग, माल्टा फीवर आदि नामों से जाना जाता है तथा यह रोग प्रेग्नेंट गर्भित पशुओं की प्रेग्नेंट एनिमल में प्रेगनेंसी मतलब गर्भकाल के अंतिम अवस्था या गर्भकाल के छह माह बाद गर्भपात हो जाता है। लास्ट ट्राइमेस्टर अबॉर्शन किसको था? ब्रुसेलोसिस में गाय भैंस भेड़ बकरी में अबॉर्शन का मुख्य कारण ब्रुसेलोसिस रोग होता है। कौन सा रोग होता है? ब्रुसेलोसिस रोग होता है। गर्भपात हो जाता है। नेक्स्ट है इटियोलॉजी रोग कारक। यह रोग सामान्यतः है पशुओं में ब्रुसेला अबोर्टस नामक बैक्टीरिया द्वारा होता है। तो ब्रुसेला अबोर्टस बैक्टीरिया होता है जो कैसा होता है? ग्राम पॉजिटिव होता है। तो यह रोग
सामान्यतः पशुओं में ब्रुसेला अबोर्टस ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया द्वारा होता है। किसके द्वारा? ब्रुसेला अबोर्टस ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया द्वारा होता है तथा इस जीवाणु को अलग अलग प्रजाति के पशुओं में अलग अलग प्रजाति के पशुओं में अलग अलग निम्न नामों से जाना जाता है। निम्न नामों से जाना जाता है होता मैं ही बोलता होता ब्रुसेला अबोर्टस ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है, लेकिन अलग अलग प्रजाति के पशुओं में इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे शिप शिप में ब्रुसेला ओबीएस नामक नाम से जाना जाता है। ब्रुसेला ओबीएस गॉड ब्रुसेला टेप्राइन बीच ब्रुसेला कैनाइन। तो ये क्या होता है, अलग अलग प्रजाति के पशु में अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। गाय भैंस और सूअर में घोड़ी में इनमें सब में ब्रुसेला अबोर्टस नामक बैक्टीरिया नाम से ही जाना जाता है। हो जाता है ठीक है। तो मैं क्या समझाऊं,
अगर क्या सिम्टम लक्षण तो मेन सिम्टम तो इसमें क्या है और पता ही आपको कि इस रोग में क्या होता है पहले बता चुका मैं गर्भपात हो जाता है इस रोग में रोगी या गर्भित पशु का गर्भपात से पूर्व पैलिक लिगामेंट शिथिल हो जाते हैं तथा मादा पशु की वेजाइना से सफेद मवाद जैसा डिस्चार्ज बाहर आने लग जाता है सफेद मवाद पस जैसा डिस्चार्ज बाहर आने लग जाता है इसमें कहता है इस रोग में गर्भित पशु का गर्भपात होने से पूर्व पैलिक लिगामेंट शिथिल हो जाते हैं तथा मादा पशु की वजह से सफेद पस जैसा डिस्चार्ज बाहर आने लग जाता है दूसरा इस रोग में गर्भित पशु का गर्भकाल पूर्ण होने से पूर्व ही पशु प्रसव के लक्षण प्रकट करने लगता है इस रोग में क्या होता है रोगी पशु का गर्भकाल पूर्ण होने से पूर्व ही पशु प्रसव के लक्षण प्रकट करने लगता है गर्भाशय में प्लेसेंटा सड़ने लग जाता है जिसके कारण मादा पशु की गर्भाशय प्लेसेंटा सड़ने लग जाता है जिसके कारण मादा पशु की गर्भाशय बदबूदार बाहर आता है इस रोग में रोगी पशु का गर्भपात पूर्ण होने से पूर्व ही ज्यादा प्रसव के लक्षण प्रकट करने लग जाते हैं नेक्स्ट है रुमिनेंट एनिमल में इस रोग के कारण गर्भाशय में प्लेसेंटा सड़ने लग जाता है जिससे पशु की वजाइना से बदबूदार स्राव बाहर आता है अर्थात बाद में यह अर्थात बाद में यह क्रॉनिक मेट्राइटिस नामक रोग में परिवर्तित हो जाता है अब क्रॉनिक मेट्राइटिस मेट्राइटिस मतलब गर्भाशय में इंफेक्शन हो जाता है क्यों होता है क्योंकि गर्भाशय में प्लेसेंटा क्या होता है धीरे धीरे सड़ने लग जाता है जिससे गर्भाशय की जो एंडोमेट्रियल लेयर होती है उसमें
में अबॉर्शन के पश्चात गर्भपात के पश्चात उत्सर्जित अपरा चमड़े जैसा सख्त चमड़े जैसा कठोर एवं फीटस पर बच्चे की त्वचा पर ब्लैक व्हाइट स्पॉट पर दिखाई देते हैं। मतलब इस रोग में क्या होता है, जो बच्चा और फीटा प्लेसेंटा उत्सर्जित होता है, इसमें प्लेसेंटा को क्या होता है, चमड़े जैसा कठोर आता है और बच्चे की जो स्किन होती है उसमें ब्लैक व्हाइट स्पॉट या मार्क दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है, नर पशुओं में इस रोग के कारण वृषणकोष में सूजन आ जाती है, जिसे ऑर्थाइटिस कहते हैं, तथा इसके कारण पशु की सेक्सुअल कैपेसिटी कम हो जाती है। कैसे हो जाती है, सेक्सुअल कैपेसिटी कम हो जाती है। नेक्स्ट है, इस रोग में पशु के अगले पैर के अग्रपाद के नी जॉइंट में इन्फ्लामेशन हो जाता है और नी जॉइंट में इन्फ्लामेशन की सबसे अधिक किसको होता है, मेल एनिमल में होता है। किसको होता है, मेल एनिमल में होता है। नी जॉइंट में इन्फ्लामेशन हो जाता है जिसे हाइग्रोमा नाम से जाना जाता है, जिसे हाइग्रोमा नाम से जाना जाता है। किस नाम का नहीं होता, हाइग्रोमा नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, इस रोग में कभी कभी मादा पशु की मेमरी ग्लैंड में भी इंफ्लामेशन हो जाता है, तब सूजन आ जाती है। इस रोग में कभी कभी मादा पशु की मेमरी ग्लैंड में इन्फ्लामेशन सूजन आ जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट है डायग्नोसिस। निदान इंपॉर्टेंट होता है इसका डायग्नोस। डायग्नोसिस पहले तो है लक्षणों के आधार पर दूसरा है एमआरटी टेस्ट के आधार पर, एमआरटी मिल्क
दूसरा एबीआरडी एबीआरडी अबॉर्शन रिंग टेस्ट चमड़े जैसा
डायग्नोसिस होता है, छह तो छह गाय की अवस्था में गर्भपात होता है, उसमें ठंडे की जैसा प्लेसेंटा बाहर आता है। नेक्स्ट है लेप्टोस्पायरोसिस। ये बता देते हैं, नेक्स्ट है लेप्टोस्पायरोसिस। लेप्टोस्पायरोसिस तो लेप्टोस्पायरोसिस क्या होता है? लेप्टोस्पायरोसिस छठे माह में गर्भपात, लेकिन इसमें जो प्लेसेंट होता है जो नॉर्मल होता है उसमें चमड़े जैसा होता है, उसे कहते हैं लिस्टीरियोसिस। सात माह बाद अबॉर्शन, ठीक है? तो ट्राई तो दो से चार माह का अवस्था होता है तो ट्राइकोमोनासिस होता है, चार से छह नौता तो विब्रोसिस होता है, अगर छह से नौ के बीच मोरा प्लेसेंटा चमड़े सारा तो कौन होता है? ब्रुसेलोसिस होता है। छह में छठे माह होता है तो लेप्टोस्पायरोसिस होता है, और सात माह होता है तो मतलब तो सात माह के बाद हो रहा है तो कौन होता है? लिस्टीरियोसिस होता है। अब नेक्स्ट है डायग्नोसिस हो गया उपचार। इस रोग का कोई प्रभावी उपचार संभव नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि पशु का अबॉर्शन होने के पश्चात ही पता चलता है कि पशु को कौन सा रोग है। इस रोग का कोई प्रभावी उपचार संभव नहीं होता है तथा इसमें पशु को लक्षणात्मक मतलब सिम्प्टोमेटिक एवं सुरक्षात्मक उपचार दें। लक्षणात्मक एवं सुरक्षात्मक ट्रीटमेंट जैसे कि एंटीबायोटिक देते हैं, वैसे इसमें ट्रीटमेंट की क्या आवश्यकता नहीं होती क्योंकि इसमें क्या होता है अबॉर्शन तो हो जाता है, ट्रीटमेंट कौन सा देते हैं? एंटीबायोटिक देते हैं, जल्द से जल्द पशु को, ठीक है? नेक्स्ट है कंट्रोल। कंट्रोल तो कंट्रोल में क्या होता है? कोटन स्टैंड 90 वैक्सीन लगाते हैं पशु को। कौन सी लगाते हैं? कोटन स्टैंड 90 वैक्सीन। तो चार से आठ माह की मादा बछड़ियों में कोटन स्टैंड 19 वैक्सीन सबकट ग्रुप टोटल स्ट्रेन 19 वैक्सीन होती कितनी है? 5 ml सबकट ग्रुप लाइफ लॉन्ग मतलब जीवन में एक बार लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज का टॉपिक यही समाप्त होता है।